नमस्कार, मैं कविता। आप सभी का कविता जाधव रेसिपी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कमल के पोहे बनाने के लिए मैंने एक प्याज को बारीक कट कर लिया है। ये है मूंगफली के दाने, मटर, हरी मिर्च और करी पत्ता, परमल आप आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो, जीरा, हल्दी पाउडर, राई, नमक, नींबू और यह है शक्कर। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने एक तपेली में पानी लिया है, लगभग 2 ग्लास पानी लेंगे। इसमें डालेंगे परमल, तो बहुत ज्यादा गलाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए पानी में से डिप करके हम निकाल लेंगे। मैंने एक कढ़ाई में छलनी रख दी है, उसमें अब हमें परमल निकाल लेंगे और इसको ऐसे फैला देंगे ताकि उनका सारा पानी निकल जाए। अब हम एक कढ़ाई को गैस पे रख देंगे, उसमें लगभग 3 चम्मच हमें तेल डालना है। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच राई, मूंगफली के दाने, प्याज, हरी मिर्ची, करी पत्ता। अब हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक हमें थोड़ा कम डालना है क्योंकि परमल में नमक होता है। जीरा, मटर ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो इसके जिनको पोहा पसंद नहीं है वो परमल का पोहा बना के भी खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगता है। 1.5 से 2 मिनट में सारी चीजें अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे परमल। परमल डालने के बाद गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे। अब हम डालेंगे हल्दी, 1/2 चम्मच शक्कर, नींबू, नींबू और शक्कर डालने से बहुत ही चटपटा हो जाता है। अब हम लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए इसको रख देंगे। हमारा परमल का पोहा रेडी हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसको सर्व कर लेंगे। हमारी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।